जैगुआर हमारे पास तो फॉर्च्यूनर ऑल राइट गाइस, तो आप लोगों ने कुछ इस टाइप की वीडियो अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो देखा ही होगा यार। अभी के टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, तो अगर आप लोग भी इस टाइप की वीडियो बनाओगे तो आप लोगों की भी वीडियो वायरल होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस वीडियो को किस तरीके से बनाना है आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइस, जितनी भी स्टॉक्स इस वीडियो रेटिंग में मैं यूज करने वाला हूँ सारा कुछ आप लोगों को ग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इजिली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने फोन की स्क्रीन पे। गाइस, इस वीडियो को एडिट करने के लिए हमें अपना सिंपली VN एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो यहाँ से मैं अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकन है सिंपली नीचे इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना। और करने के बाद यहाँ से जो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है कैची वाला, यहाँ पे डेस्कटॉप टूल दिख रहा है, सिंपली इस कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया, जितनी भी वीडियोस क्लिप यूज़ करूँगा सारा कुछ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से ये वाली वीडियो डाउनलोड कर लेना जो यहाँ पे अभी मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, इजिली वहाँ से फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। हमारी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप की होने वाली है, ठीक है। अब गाइस, सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट में एक वाटर मार्क दे देता है हमेशा की तरह, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब गाइज, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि फोटोज़ ऐड करना है। तो फोटोज़ ऐड करने के लिए सिंपली इस प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, वीडियोस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड इतना करने के बाद अगर आप लोग चाहो तो वीडियो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन गाइज यहाँ पे मेरे पास फोटो है तो मैं फोटो पे क्लिक करूँगा। और यहाँ से गाइज फिर भी नहीं तो 7-8 फोटो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं टोटल फोटो मेरे पास 7 है अभी, तो मैं 7 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों के पास जितने फोटोज़ हैं पहले उनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो 7 फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सिंपली इस ब्लू वाले एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइज अगर घटता बढ़ता है तो आगे और भी फोटो हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम म्यूजिक ऐड करेंगे, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर देख सकते हो। एंड यहां से म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड करने के बाद प्लस के आइकन पे जाके गाइस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाके जो वीडियो दूंगा उसका साउंड जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो आप लोग तो जानते होंगे कि किस तरीके से करना है। सिंपली चूज पे क्लिक करूंगा, म्यूजिक बीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और गाइस यहां पे मैं बीट दिखा देता हूं कितने कितने सेकंड पे लगाया हूं। तो पहला बीट है हमारा 6 सेकंड, दूसरा बीट है 6.86। ऐसी गाइस आप लोग भी बीट लगा लेना जिस तरीके से यहाँ पे बीट लगा है। खैर छोड़ो, अगर बीट अगर आप लोग सुन के लगाओ ना तो ज़्यादा सही होगा, मैं बीट ना ही दिखाऊँ तो ही सही है। आप लोग सुन के लगा लेना बीट तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा आप लोगों का बीट, ठीक है। देन सिंपली इसको मैं डन कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हो नीचे बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे लकीर देखने को मिल रहा होगा अपने साउंड वाले लेयर पे, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि सारे फोटोज़ को अपने बीट के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है यहाँ पे देख लो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग भी कुछ इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो सारे फोटोज़ को आप लोग अपने बीट के हिसाब से सेट कर लेना। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, बाकी आप लोग समझ गए होगे कि किस तरीके से हमें बीट के हिसाब से अपने फोटो को सेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को फोटो घट रहा है, तो फोटो घट रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड वीडियोज फोटो वाले ऑप्शन पर फिर से जाना होगा, एंड फोटोज पर जाना। अगर आप लोगों के पास और फोटो है तो उनको ऐड कर लेना, अगर नहीं है तो उनको दोबारा से भी ऐड कर सकते हो, कितनी बार भी एक उन्हीं फोटो को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं फोटो को फिर से मैं एक बार इस पे इंपोर्ट कर लिया हूँ, ठीक है। और फिर से इसको मैं अच्छी तरीके से बीट के हिसाब से सेट कर देता हूँ अपने सारे फोटोज़ को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी सेम इसी तरीके से करना, अच्छी तरीके से बीट में सेट करना, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे फोटोज़ को हमने बीट के हिसाब से सेट कर दिया है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे देख सकते हो। और आई होप कि आप समझ गए होगे कि किस तरीके से हमें सेट करना है अपने बीट के हिसाब से फोटो को। अब गाइस हमारा मेन चीज आता है एफएक्स। तो एफएक्स के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एफएक्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना।
जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ से जो सा भी इफेक्ट्स लेना चाहते हो ले लेना। वैसे तो मैं ये वाला इफेक्ट सजेस्ट करूँगा, ये वाला हमने डाला था, ठीक है। तो जैसे ये वाला इफेक्ट्स मैं ले लिया, ठीक है, और लेने के बाद अब हमें यहाँ अप्लाई ऑल का ऑप्शन दिखता होगा एक, ठीक है। इस अप्लाई ऑल वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो सारे फोटोज़ पर आप लोगों का ये इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली नन पे क्लिक कर देंगे, ओके। अब क्या होगा गाइस, हमारा ये सारे फोटोज मतलब वीडियो का इफेक्ट्स हट जाएगा और हमारे सारे फोटो पे इफेक्ट्स लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे फोटोज पे इफेक्ट्स वन क्लिक में लगा दिया है। तो यार इसके लिए एक लाइक तो जरूर से कर देना। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स है और हमारी वीडियो भी बहुत ही मस्त बन के रेडी हो चुकी है। तो यार आई होप कि आप समझ गए होगे कि किस तरीके से इस वीडियो को क्रिएट करना है और किस तरीके से बनाना है। अब गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से इसको डन कर देना। तो ये वीडियो गाइस आप लोगों की गैलरी पे हो जाएगी सेव। तो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।